Assalamu alaikum students, this is your math lecture of grade 8. Today we start chapter number 3 and chapter name is logarithm. Now we start exercise 3.3 and question number 1 is write the following into the sum or difference. So students, आपने पहले तो हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें 3.2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. उसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग पॉइंट्स को कैसे मूव करते हैं और हमने उसके मुताबिक पावर वगैरह डालनी होती है. आज हमारा बिल्कुल चेंज टॉपिक है. एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम लोगों ने उन्हीं नंबर्स को उनकी पोजीशंस उसी तरह चेंज करनी है. और अब हमारे पास जो रूल होता है लॉगरिथम का जो रूल होता है हम लोगों ने वो ये करना होता है कि आपने जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन नज़र आता है आपने उस मल्टीप्लाई को चेंज करना होता है प्लस के अंदर और डिवाइड को चेंज करना होता है माइनस के अंदर. अब ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड का साइन ही होगा तो चेंज होगा. अब डिवाइड की जैसे पोजीशन होती है, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन में नंबर है पी बाई क्यू, एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे, वो डिवाइड फॉर्म में है. जैसे 1/2 है, आपने इसको कन्वर्ट करना होता है. ये डिवाइड है, डिवाइड को आपने इस तरह माइनस में वहाँ पर माइनस का साइन लिख के इन दोनों नंबर्स को सेपरेट कर देना होता है. तो और यहाँ पर और एक बेसिक चीज़ हमारे पास एक और होती है उसके अंदर हमारे पास आता है, यहीं पे यूज़ होगी. अगर हमारे पास किसी नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है, कोई भी नंबर है, जैसे कि आपके पास 3 ऊपर पावर है 2, तो आपने वो जो पावर जो 2 होती है वो आपने इस लॉग के अंदर ये रूल होता है कि आपने वो पावर को शुरू स्टार्ट में ले जाना होता है. ठीक है, तो कैसे ये सॉल्व करना है आगे हम स्टार्ट करते हैं. जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू द सम और डिफरेंस. उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सम और डिफरेंस फाइंड करना है, कि आपने इसको बताना है कि सम क्या होगा और डिफरेंस क्या होगा. जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है लॉग ब्रैकेट एक्स या सॉरी ए मल्टीप्लाई बी. तो मैंने अभी आपको बताया था हमारा जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में कन्वर्ट होता है और डिवाइड होता है वो माइनस में होता है. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व की हेडिंग दी और हमने यहाँ पे देखें ये लॉग जो है ये हमने दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, लॉग ए मल्टीप्लाई लॉग बी. ठीक है, ये हमारा लॉग दोनों के साथ सेपरेट हो गया. इसके बाद हमारा क्या हुआ, लॉग ए मैंने भी बताया था लॉग जहाँ मल्टीप्लाई को हमने प्लस में और डिवाइड को माइनस में. तो यहाँ हमारे पास डिवाइड में कोई नंबर नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई साइन है. सो हमने मल्टीप्लाई साइन को कन्वर्ट कर दिया प्लस के अंदर. तो ये हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस के अंदर. डिफरेंस मीन माइनस, सम सम मीन प्लस. तो हमारे पास ये जैसे इसकी पोजीशन है, ये इसका जो कंडीशन आ रही है ये हमारा इसका आंसर होगा. इस तरह इसका सेकंड पार्ट है. अब ये देख लें, ये पहला मल्टीप्लिकेशन था, अब डिवीजन है. लिखा हुआ है लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो लॉग है ये दोनों के साथ मिड में लिखा हुआ है, आपने ये दोनों के साथ लॉग को सेपरेट कर देना है. हमने लिखा लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय लॉग 30.5. इसको कोई सोल्यूशन नहीं निकालना, ज़रा भी सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट इसकी पोजीशन चेंज करनी है. अभी हमने बोला, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिवाइड को हमने चेंज करना होता है माइनस के अंदर. तो हमारा देखें ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड होने हैं, तो हम इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन डाल देंगे. कैसे, ये देखें लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5, ये हमारा साइन, जस्ट साइन हमारा चेंज हो गया. ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंडीशन चेंज. अब एक और चीज़ मैंने आपको जो बताई थी कि अगर हमारे पास इन केस नंबर के ऊपर पावर आती है तो हमने वो पावर को कैसे लॉग के शुरू में लिखना होता है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये देखिए लॉग क्यूब रूट, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब की पावर 3 है. तो अंदर नंबर दिया हुआ है 7/15. तो हमने देखें ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब रूट है, ये पूरे नंबर के ऊपर है, इनमें से किसी एक के ऊपर अलग अलग नहीं है, दोनों के ऊपर होल है ये. ठीक है, तो आपने भी इसको होल ही एज अ यूज़ करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, लॉग पहले 7/15 हमने पहले इसकी पावर को कन्वर्ट किया, इसको ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आपने सीखा था. तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया 1/3 के अंदर, क्योंकि अंडर रूट की पावर जैसे हमारा अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो इसी तरह हमारा उसकी पावर 1/2 होती है. जब उसके बाद पावर गिवन होगी तो इसका मतलब 2 की जगह पे वही नंबर आएगा जो पावर हमारे पास गिवन है. तो ये हमारे पास अंडर रूट की पावर बन गई 1/3. अब आपने क्या करना है, ये जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है. कैसी आती है ये देखें, 1/3 हमारे पास ये नंबर ब्रैकेट लॉग 7, हमने लॉग भी दोनों के साथ सेपरेट कर दिया,
लॉग 7 एंड डिवाइड को हमने चेंज कर दिया माइनस के अंदर लॉग 15। हमारे पास ये देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। आपने जस्ट इस तरह नंबर्स को चेंज करना है और इनकी पोजीशंस को चेंज कर देना है। पावर जो होगी पावर को शुरू में ले आना है और जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आपको आएगा नज़र आपने उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। जहाँ पर डिवाइड होगा उसको माइनस के अंदर चेंज कर देना, जैसे कि हमने इन तीन क्वेश्चन में सॉल्व किया। और इसके बाकी जो दो क्वेश्चन और हैं वो आपने खुद अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं एंड नेक्स्ट पेज के अंदर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें लिखा हुआ है लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन के अंदर उसने मिक्स करके सारा नंबर दिया हुआ है, तो आपने ये करना है कि इसकी पोजीशन जो आप चेंज करेंगे वो देखें कैसे करनी है। आपने बस वही वाली चीज़ जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी आपने उसको याद रखना है, साइंस को चेंज करना है। जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ डिवाइड माइनस है वहाँ पर डिवाइड, ठीक हो गया। देखें पहले मैंने क्वेश्चन सारा पूरा रिपीट कर लिया जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन था, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इसे कन्वर्ट किया। देखें सबसे पहले मेरे पास क्या लॉग एक्स, यहाँ तक मैंने लॉग एक्स लिखा, माइनस माइनस को चेंज किया डिवाइड के लिए, माइनस के लिए मैंने उसके नीचे लाइन डाल दी, आगे नंबर ऐसे लिख दिया 2 लॉग एक्स। देखें एज इट इज़ नीचे वाला नंबर आ गया। फिर आगे मेरे पास प्लस था, प्लस को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 लॉग एक्स ऐसे ही आ गया ऊपर। और अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर वाले साइन नहीं चेंज करने होते, हमने जस्ट जो बाहर बड़े बड़े साइन होते हैं वही चेंज करने होते हैं। और ये माइनस था, माइनस को फिर डिवाइड के लिए मैंने लाइन डाल दी फुल नीचे, और लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देख लें आपके पास ये स्क्रीन पर एज इट इज़ सारा नंबर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, हमने बाकी तमाम नंबर ये देखें लॉग एक्स ऐसे ही आ गया। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था जब हमारे पास वो पावर थी 1/3, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमारे पास एक पावर 1/3 थी, 1/3 को हमने लॉग के शुरू स्टार्ट में लिया था। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या हम लोगों ने करना है, ये देखिए 2 है तो इसका 2 लॉग के शुरू में, इसका मतलब ये उसकी पावर थी एक्स की, तो हमने ये 2 को जो है एक्स की पावर बना दी, लॉग एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 को भी हमने इस पूरी ब्रैकेट के होल्स की ब्रैकेट थी, ब्रैकेट का मतलब होल है, तो हमने होल क्यूब बना दिया डिवाइडेड बाय। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला बना हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आपने चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ा है और ये आप चैप्टर 4 के अंदर भी पढ़ेंगे, इवन आपने अपनी प्रीवियस क्लास चैप्टर क्लास 7 के अंदर भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं फार्मूलाज वाली, तो आपके पास अलजबरा के अंदर आपने ये पढ़ा है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1, ये होता है फार्मूला, एक बार प्लस में एक्स प्लस 1 एंड एक बार माइनस में, एक्स में सेम नंबर है जैसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अपने इसको राइट कर लेना है। ये हो गया। अब हमने ऊपर नीचे जितने नंबर हमारे पास कटते थे, जैसे देखें लॉग एक्स है और ऊपर नीचे भी 2 लॉग लॉग एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा 1/x मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखें ऊपर ये देखें ये एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट है और ऊपर भी सेम ब्रैकेट है, सिर्फ ये फ़र्क है ऊपर हमारे पास क्यूब है, क्यूब मीन्स ऊपर 3 ब्रैकेट्स हैं सेम और नीचे 1 है, तो 1 से 1 तो कट जाएगी, बाकी वहाँ पर ऊपर स्केयर बच जाएगा और नीचे ये वाली ब्रैकेट बच जाएगी एक्स माइनस 1। तो ये देख लें 1/x मल्टीप्लाई लॉग एक्स माइनस 1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई लॉग एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स प्लस 1 से प्लस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपल नंबर बच गया। तो इसके बाद हमने इनको इकट्ठा करके लिख देना है, जो इनको इकट्ठा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा, लॉग को हमने कॉमन कर दिया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये इसको हमने इसके साथ लिख देंगे, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह आपने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा एक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 के बाद वैसे 3 है, लेकिन 3 क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट मैंने सॉल्व करा कि 3 वाला क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली इन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 1 के। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने जहाँ पे मल्टीप्लाई था उसको प्लस में और माइनस डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट किया, वो बिल्कुल अपोजिट होगा। जहाँ पे आपको प्लस का साइन आएगा वहाँ पे अपने मल्टीप्लाई डाल देना है, और जहाँ पे आपको डिवाइड का साइन आएगा वहाँ पे अपने माइनस डाल देना है, या माइनस का आएगा तो डिवाइड डाल देना, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है लिखा हुआ है कैलकुलेट दी फॉलोइंग, सिंपल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब बस वैल्यू दी हुई है लॉग 3 2 मल्टीप्लाई लॉग बी एस 2 81, बहुत आसान सी कंडीशन है। देखिए हमारे पास एक नंबर नीचे लिखा हुआ है बेस है, एक नंबर ऊपर है, तो आपने इसको बिल्कुल सिंपल सा नंबर्स को सेपरेट कर लेना है।
देखें, आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऊपर लिख देना है, और डिवाइड की फॉर्म में जो नीचे वाला नंबर है उसको नीचे। जैसे देखें, टू ऊपर था मैंने टू ऊपर लिख दिया, थ्री नीचे था मैंने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई इस तरह 81 तो ऊपर था मैंने 81 ऊपर लिख दिया, टू नीचे था तो मैंने यहाँ पर टू को नीचे शिफ्ट कर दिया। ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, देखिए जो कटता था वो काट देंगे, लॉग टू के साथ लॉग टू कैंसिल हो जाता है, मेरे पास बचेगा 81। अब 81 को आपने क्या करना है, 81 का आपने एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो हमने 3 की पावर 4 डाल दिया और नीचे वाला नंबर एज इट इज़, और यहाँ पर लॉग 3 से लॉग 3 भी कैंसिल हो जाएगा एंड 4 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी है वो भी ऐसे ही है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी, उसके अंदर लॉग की वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी, आपने उनके एलसीएम निकालने नंबर्स की, और नंबर्स के एलसीएम निकालने के बाद लॉग 2 लॉग 3 एंड लॉग 5 की वैल्यू हमारे पास बुक पे ही गिवन होगी। अगर ना भी हो आपके पास तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है।